चना माह की दाल, जितना इसको कहना आसान है बस उतना ही आसान इसको बनाना भी है दोस्तों। आम घर में बनने वाली दाल है चना माह की दाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पाड़े, कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चना माह दाल तड़का। तो आओ देखते हैं पाड़े कुकिंग चैनल पर क्या है पूरी रेसिपी चना माह दाल की। चना माह दाल बनाने के लिए प्रिपरेशन मैंने पूरी कर ली है। एक प्याज को चॉप किया है, एक टमाटो चॉप किया है, साथ में अदरक लहसुन को कुंडी में कुटा है और दाल को बॉईल कर दिया। एक पैन में कुकिंग ऑयल लें, 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं दोस्तों, और स्मोक आने तक कुकिंग ऑयल को हीट करें। कुकिंग ऑयल हीट हो गया तो फिर फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा हींग का प्रयोग जरूर करें दोस्तों। साथ में खड़े मसालों में आपने कोरिएंडर सीड, 2 से 3 रेड चिल्ली, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम डालना है दोस्तों, क्लोव डालना है। खड़े मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद रफली चॉप किए हुए प्याज को आपने उढ़ेल देना है। प्याज का सारा कमाल होता है दोस्तों दाल में। अगर आप प्याज को अच्छी तरह से भुनें और उसका पूरा फ्लेवर ऑयल में ले लें तो आपकी दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। साथ में ही कैरम सीड्स और फेनल सीड्स और ब्लैक पेपर का प्रयोग आपने करना है। ये बहुत बेहतर फ्लेवर आपकी दाल को देंगे दोस्तों। जब आपका प्याज हल्का सुनहरा हो जाए और ऑयल को रिलीज करने लग जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल ऑयल को रिलीज कर रहा है, इसी स्टेज पर आपने अदरक लहसुन का प्रयोग कर देना है। हमने कुंडी में कूट कर ये पेस्ट बनाया है। आप बाजार वाला जो मिलता है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर स्टर करें अच्छी तरह से। अदरक लहसुन को आपने स्टर करना है और इसको भूनना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पूरा फ्लेवर ऑयल में आ जाए और खाती बार फिर दाल में एक बेहतर टेस्ट दे पाए दोस्तों। तो आपने तरह से भुनना है सारे मसालों को, इनका पूरा फ्लेवर ऑयल में लेना है। साथ में 1 टेबलस्पून हल्दी डालें, 1 टेबलस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून आपने गर्म मसाला डालना है, और साथ में फ्लेवर और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आपने डालना है। फिर पाउडर मसालों को अच्छी तरह से स्टर करें। पाउडर मसालों में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, वो भी टोटली आपने ऑयल में रिलीज करना है दोस्तों। तो हल्का इनको भुने, ज़्यादा जलाना नहीं है, इनको भुनना है सिर्फ। फिर आप टमाटो का प्रयोग कर सकते हैं। रफली चॉप मैंने यहाँ पर टमाटो को किया है। 1 टेबलस्पून इस पर आप सॉल्ट की डालें दोस्तों। सॉल्ट टमाटो को गलाने में बहुत हेल्प करता है, तो सॉल्ट का प्रयोग टमाटो के साथ आप जरूर करें। फिर एक साथ दोनों को स्टर करें। टमाटो को पूरी तरह से आपने कुक करना है और बिल्कुल ऑयल को रिलीज कराना है टमाटो से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटो ने ऑयल को टोटली रिलीज कर दिया है और टमाटो हमारा बहुत बेहतर तरीके से कुक हो गया है। इसी स्टेज पर फिर आपने बॉयल की हुई दाल का प्रयोग कर देना है दोस्तों ग्रेवी में, और फिर इसको स्टर करना है। हल्के हाथों से स्टर करें। 1 से 2 मिनट के लिए आप ग्रेवी में दाल को राढ़ें, जिस तरह से मैं यहाँ पर राड़ रहा हूँ। हल्के हल्के हाथों से आपने इसे स्टर भी करना है, ताकि ये नीचे नहीं लगे और जले नहीं। फिर हम लीड से कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए दाल को। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल बिल्कुल कुक हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी बहुत बेहतर आया है और काफ़ी थिक मैंने ये दाल बनाई हुई है। मैं चपाती के लिए इस दाल को बना रहा हूँ। अगर आपने चावल के साथ खानी है तो आप फिर 1 से 1.5 कप इसमें बटर का भी लगा सकते हैं दोस्तों। दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो अब मैं इसे सर्व करने जा रहा हूँ। इसकी प्लेटिंग हम कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है, साथ में थोड़ी हमारी दाल थिक है। मैं पहले बता चुका हूँ कि रोटी के लिए हम बना रहे हैं। अब अगर आपने चावल के साथ खानी है तो थोड़ा बटर इसमें लगा दें। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है और एक बार इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करना है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल पाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आने वाली जो नई रेसिपी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले